Hello students, welcome to Access Institute. Let's start the very new chapter of mathematics, that is matrices. Matrices what? कहीं पे तो सुना होगा matrices word. नहीं सुना, कोई बात नहीं. फोन खरीदा है, उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि कितने megapixels का कैमरा है. The higher the megapixels is, जितने ज्यादा megapixels, उतना ज्यादा quality of camera. क्यों? क्योंकि वहां पे क्या यूज होता है, आपकी फोटो कैसे स्टोर होती है, विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स आपकी फोटो स्टोर होती है. मैट्रिक्स की हेल्प से हम बड़ी बड़ी इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं. तो उन सारी चीजों को करने के लिए आपको बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स आना चाहिए. सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि भाई मैट्रिक्स होता क्या है. तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट. इस प्लेटफॉर्म पे आपका मैट्रिक्स चैप्टर पूरा कंप्लीट किया जाएगा. तो लेट्स बिगिन. मैट्रिक्स नंबर्स से आपका सवाल है कि टोटल जितने नंबर्स होते हैं उनको हम लोग रियल या इमेजिनरी पार्ट में क्लासिफाई करते हैं. ठीक है, तो अगर हम लोग कुछ नंबर्स सिलेक्ट करें एंड वी अरेंज दोज नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ टेबल, मतलब टेबल के फॉर्म में, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में अगर हम लोग कुछ नंबर को अरेंज कर लें, दैट मीन्स कि वी आर नॉट गोइंग टू स्टोर द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ टेबल, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. तो उस पर्टिकुलर चीज को क्या बोला जाता है? मैट्रिक्स. सेट ऑफ नंबर्स, अभी आप इस पे ध्यान रख लीजिए, इस पे आप ध्यान रख लीजिए. वी हैव अ सेट ऑफ नंबर्स, n नंबर्स, 20 20 30 40 व्हाटएवर नंबर्स, हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, वी आर गोइंग टू अरेंज दोस नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. तो उसको क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे. ठीक है, मैट्रिक्स को लिखा कैसे जाता है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बहुत सारी रोज होंगी, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बहुत सारे रोज होंगी और बहुत सारे कॉलम्स होंगे. जैसे कि हम लोग क्लास में बैठते हैं तो बहुत सारी रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं. तो टोटल हम लोग जो भी अरेंजमेंट करते हैं, अपना क्लास में बैठना है या स्कूल में स्पोर्ट्स डे के टाइम पे ड्रिल होती है, पीटी होती है, तो वहां पर हम लोग किस फॉर्म में अरेंज होते हैं? खुद को रोज और कॉलम्स के फॉर्म में अरेंज करते हैं. तो जब भी नंबर्स रोज और कॉलम्स के फॉर्म में अरेंज करके एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दिया जाए, तो दैट विल बी नोन एज व्हाट? दैट विल बी नोन एज मैट्रिक्स. मैट्रिक्स कहीं कहीं पे लिखा होगा मैट्रिसेस, तो नथिंग टू वरी, मैट्रिसेस इज जस्ट प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स. ओके, ठीक है. अब बात आती है कि भाई ये बताया था ये एम क्रॉस एन क्या था. तो मैट्रिक्स पता तो चल गया कि कुछ नंबर्स होंगे उनको टैबुलर फॉर्म में हम लोग अरेंज करेंगे. कैसे लिखता होगा मैट्रिक्स? कुछ इस टाइप का लिखता होगा मैट्रिक्स. पहली मैट्रिक्स अगर आप देखें जो लेफ्ट हैंड साइड पे, उसमें चार एलिमेंट्स हैं, दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, दो रो और दो कॉलम. ये भी क्या है? मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पे नौ एलिमेंट्स हैं. नंबर्स सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, ऑन टोटल, रियल, इमेजिनरी, कुछ भी हो सकते हैं. ये क्या है? एक मैट्रिक्स है. जी हाँ, ये भी एक मैट्रिक्स है. क्या एक मैट्रिक्स है? जी हाँ, ये भी एक मैट्रिक्स है. पर हर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, कुछ भी. बात आती है कि रोज और कॉलम्स होता है. किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो सकता है कि रोज और कॉलम्स होता है. तो अगर हम लोग रोज या कॉलम्स की बात करें, तो जो चीजें हम लोग हॉरिजॉन्टल देखते हैं, हॉरिजॉन्टल, उसको बोलते हैं रो. जो चीज हम लोग वर्टिकली देखते हैं, वर्टिकल, उसको बोलते हैं कॉलम. ठीक है, नाम से तो समझ में आ गया. रोज ऐसे ऐसे मेजर कर रहे हैं, कॉलम. एक एग्जाम्पल से देखते हैं, अगर हम लोग इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल पे जाए, हॉरिजॉन्टल देखते हैं, एक, दो, तीन. तो नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई आपके पास? थ्री. कॉलम्स अगर काउंट करने की बात है वर्टिकली, वन, टू एंड थ्री. तो कॉलम्स आपके पास कितने हो गए? कॉलम्स हमारे पास वापस से कितने हो गए? थ्री. सेम अगर हम लोग इस एग्जाम्पल को स्किप करते हैं, जस्ट बिकॉज सेम है हमारा, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, इसमें अगर काउंट करें हॉरिजॉन्टल, कितनी रोज हुई हमारे पास? वन, टू. तो नंबर ऑफ रोज इज टू. कॉलम्स की बात करें, वन, टू, थ्री, फोर. तो कॉलम्स हमारे पास कितने हो गए? फोर. अगर ये सबसे बेसिक है, ये सबसे बेसिक है मैट्रिक्स का, कि ऑल यू नीड टू नो कि रो और कॉलम में डिफरेंस क्या होता है, विच वन इज हॉरिजॉन्टल एंड विच वन इज वर्टिकल. यहाँ पे अगर दिमाग में कुछ
उल्टा पलटा हुआ कि रोज कॉलम में कंफ्यूजन हुआ, मैट्रिक्स का हर एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको रोज और कॉलम्स में डिफरेंस पता होना चाहिए। मैट्रिक्स देखते ही आपके दिमाग में आ जाएगी, हाँ भैया इसके अंदर दो रो है चार कॉलम है, ये देखते ही समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि सारा खेल हमारा रो और कॉलम का है। ठीक है, मैट्रिक्स इतना आगे। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का एलिमेंट जो भी चीजें हम लोग लिख रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, लेट इट बी 1, 2, 3, 4, 7, 9, 0, 1/2, -4, ठीक है, ये क्या है मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स स्टोर है, जो भी जितने भी नंबर्स स्टोर है मैट्रिक्स के अंदर, उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, अब अगर आपको बहुत सारे एलिमेंट्स दे दिए जाए, बोला जाए कि अरेंज देम इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, तो क्या आप अरेंज कर लेंगे? कुछ को लग रहा होगा यहाँ कर लेंगे, लेकिन क्या आप एक फाइनल रिजल्ट तक पहुँच सकते हैं? क्या आप एक फाइनल रिजल्ट तक पहुँच सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको दे दिया जाए चार नंबर, ठीक है, 1, 2, 3, 4, एंड वी हैव टू अरेंज इट इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे 1, 2, 3, 4 एक रो है चार कॉलम, वेल 1, 2, 3, 4 दो रो है दो कॉलम। कुछ कहेंगे नहीं हम ऐसे करेंगे, एक रो चार रो एक कॉलम। तो यहां भी क्या हुआ कि पॉसिबली आपको बहुत सारे आंसर्स मिल रहे हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये बता देता कि मैट्रिक्स जो हम बनाएंगे उसमें इतनी नंबर ऑफ रोज होंगी और इतने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, तो हमारे लिए आसान हो जाता। तो अन्य से नाते हमको मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज एंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दिया जाएगा, हम लोग मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात आती है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को कैसे बताया जाएगा। ठीक, देखते हैं। उसके पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो स्टार्टिंग की डेफिनेशन में जगह लिखा था ना, द अरेंजमेंट ऑफ एम क्रॉस एन नंबर्स, वही था हमारा ऑर्डर। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है तो आपको पता है कि उसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, लेट द नंबर ऑफ रोज बी एम, और उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, लेट द नंबर ऑफ कॉलम्स बी एन। तो अगर हमें मैट्रिक्स का डायमेंशन जानना है तो डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और डायमेंशन लिखा कैसे जाता है, नंबर ऑफ रोज क्रॉस, दिस इज क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स, दोनों को अगर क्रॉस करके लिख रहे हैं तो वहां पे हम लोग क्या बता रहे हैं, वी आर टेलिंग द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज द डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स। अगर हमने यहाँ पे उल्टा कर दिया, कॉलम पहले लिख दिया वो बाद में लिख दिया, काम मतलब सारे क्वेश्चंस गलत। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बताता है हमको, डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स जहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। अब अगर क्रॉस को मल्टीप्लाई करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास रोज 3, 3 और कॉलम्स 3, 2। ठीक, तो ऑर्डर क्या लिखेंगे हम लोग, 3 क्रॉस 2, ये ऑर्डर होता है, ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें। अगर हमने मल्टीप्लाई करके तो आंसर विल कम 6। एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसके अंदर 3 रोज हैं, 1, 2, 3, 3 रोज हैं और उसके अंदर हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कितने हैं? अगर एलिमेंट्स की बात की जाए तो एक एलिमेंट यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, तो टोटल आपके पास कितने एलिमेंट्स आए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब मैट्रिक्स अंदर जो भी चीजें लिखी हुई है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके आए 6। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रॉम देयर वी कैन कंक्लूड कि आपकी मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। फाइन, ये होता है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। ये याद रखिएगा, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम होता है, उल्टा करने की बिल्कुल भी कोई कोशिश नहीं करेगा। अब बात फिर से हम लोग घूम के पहुंचते हैं कि अब हमको पता चल गया ऑर्डर, अब फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स थी ए, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एलिमेंट्स लिखा कैसे जाता है, जब भी मैट्रिक्स का नाम लिखा
फूड देखा आटो का ये देखा दिस इज द मैट्रिक्स नेम कि कहीं पर हम लोग क्या लिखेंगे ए तो ये हमारा मैट्रिक्स का नाम है। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे ए आई जे ऐसे लिखा जाता है वेयर आई रिप्रेजेंट्स रो नंबर एंड जे रिप्रेजेंट्स कॉलम नंबर। ठीक है तो अगर हम लोग पहले एलिमेंट की बात करें तो पहला एलिमेंट की पोजीशन क्या है रो वन कॉलम वन तो इसके क्या लिखेंगे यहाँ पे ए वन वन यहाँ पे बात की जाएगा रो वन कॉलम टू। जैसे ऑर्डर में पहले हम लोग रो लिख रहे थे रो नंबर लिख रहे थे वैसे एलिमेंट की पोजीशन पे भी यही लिखेंगे फिर फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट थर्ड कॉलम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो थर्ड कॉलम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो सेकेंड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स वेयर आई रिप्रेजेंट्स द रो नंबर एंड जे रिप्रेजेंट्स कॉलम नंबर। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग कहाँ लिखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को यही साइड में लिखते हैं नंबर ऑफ रो दैट इज 3x3। ये हो गया आपका कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स जहां पे हमने एलिमेंट्स भी लिख दिया अलोंग विद दैट हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी स्पेसिफाई कर दिया। फाइन अब हमको पता चल गया कि मैट्रिक्स कैसे होती है मैट्रिक्स को कैसे लिखा जाता है एलिमेंट्स क्या होते हैं मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होता है रोज कॉलम्स के साथ। आगे बढ़ते हैं ये क्लियर हो गया आप लोगों को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी क्लियर हो गया। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड एज जो भी हम लोगों ने देखा कि मैट्रिक्स के नीचे n क्रॉस n लिखते हैं वेयर m इज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ n इज नंबर ऑफ कॉलम्स। क्वेश्चन अ मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स। ठीक है जो भी हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कि मैट्रिक्स हैड 4 एलिमेंट्स कैसे कैसे अरेंज किया जा सकता है तो व्हाट आर द पॉसिबल अरेंजमेंट्स क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं। हमारे पास टोटल एलिमेंट्स हैं 12। ठीक है हम लोग अगर ऐसे देखें रोज और कॉलम का प्रोडक्ट भी हमेशा 12 आना चाहिए क्योंकि नंबर्स ऑफ एलिमेंट 12 है। अगर रो एक हो गई तो कॉलम लिख दें हमें 12 टू मेक द प्रोडक्ट इक्वल टू 12। अगर रो दो हो गई तो कॉलम लिख दें हमें 6। अगर रो थ्री हो गई तो कॉलम कितने होंगे 4। रो फोर हो गई तो कॉलम कितने होंगे 3। रो फाइव हो गई तो कॉलम कितने होंगे फ्रैक्शन में आ जाएगा कॉलम वो तो हो ही नहीं सकता मतलब सारे नंबर्स क्या होंगे हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स के फैक्टर्स होंगे 6 हो सकता है फिर 12 क्रॉस 1 तो दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ पर्टिकुलर मैट्रिक्स दैट कंटेन्स 12 एलिमेंट्स कैन हैव। अगर किसी मैट्रिक्स के पास 12 एलिमेंट्स है तो उनका पॉसिबल ऑर्डर ये हो सकता है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अच्छा सारे नंबर्स यहाँ जितने भी नंबर्स आ रहे हैं दे आर दी फैक्टर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्योंकि अगर फैक्टर नहीं लेंगे ना तो फ्रैक्शनल आंसर बने रहेंगे। और कभी ऐसा टेबल भी बनता है जिसके में नंबर ऑफ रोज हो रही है 1.5 ये कौन सा टेबल है नहीं हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स। एक क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने वेरी बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू गाइस कि अगर अ मैट्रिक्स इज हैविंग 24 एलिमेंट्स देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। करते हैं इसको रोज और कॉलम्स फिर से वही लिखते हैं वन से शुरू करेंगे 1x24 2x12 3x8 4x6 उसके बाद क्या आता है 4 के बाद 5 को भैया फ्रैक्शन हो जाएगा और 5 के बाद जैसे ही 6 आया तो 6 तो यहाँ यूज हो चुका है ना हमको क्या करना है 6 4 8 3 उल्टा कर दिया हमने 12 2 24 1 तो दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ पर्टिकुलर मैट्रिक्स कंटेनिंग 24 एलिमेंट्स कैन हैव। अब हम लोग ऑर्डर लिख लेते एकदम एग्जैक्टली हमें ऑर्डर पता होगा मतलब मैट्रिक्स दी होगी तो हम ऑर्डर भी लिख सकते हैं और ऑर्डर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया तो हम पॉसिबल ऑर्डर्स भी लिख सकते हैं। अब बारी आती है मैट्रिक्स के कंस्ट्रक्शन की हमें एक फॉर्मूला दे दिया जिससे हमें 2x2 मैट्रिक्स बनानी है। 2x2 मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी आपकी 2 ठीक है नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे हमारे 2 ठीक है रोज और कॉलम्स हमारे 2 2 हो गए मैट्रिक्स बना लेते हैं पहले
छोटी सी मैट्रिक्स है, एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन हमें आ ही गया है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये हो गया हमारा मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन। याद कीजिए ए आई जे दिया था स्टार्टिंग में ना, तो ए आई जे का फॉर्मूला दिया है हमको, इट्स आई प्लस टू जे स्क्वायर बाय टू, राइट। तो सबसे पहले हमें निकालना है ए वन वन, मतलब आई की वैल्यू वन, जे की वैल्यू वन। यहाँ पे अगर हम लोग पुट करें तो वन प्लस टू इंटू वन होल स्क्वायर बाय टू, दैट कम्स टू नाइन बाय टू आएगा, ठीक है। ए वन टू निकाल लेते हैं, पहला एलिमेंट में पता चल गया सक्सेस, चार एलिमेंट तीन एलिमेंट और निकालना है, बस यही है कि ऑर्डर में मेरा फेरी नहीं होनी चाहिए भाई। 25 बाय 2 दूसरा एलिमेंट पता चल गया, next video. Hope you liked the video. Thank you for watching the video. Enjoy your day.